पार्ट छ रियल नंबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पार्ट पांच में बतलाए थे ना, जिसके अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक अगर दिया हुआ हो ए और बी तो हमें अलग से क्यू और आर प्राप्त होता है और चारों के बीच में क्या संबंध होता है तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर शून्य से या तो बराबर है शून्य के बराबर है या शून्य से बड़ा होगा, आर से बड़ा होगा बी, ये सच है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में हम लोग पहले वाला पार्ट में पढ़े यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों यानी ए और बी का एक्सीएफ निकालने का एक तरीका है, टेक्नोलॉजी है, तकनीक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस विधि से एक्सीएफ निकाला जाता है। जैसे मान लो 4552 और 12576 का एक्सीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकाले तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार ये होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ शून्य से बड़ा होगा या बराबर होगा आर, इससे बड़ा होगा बी है। तो इस तर्ज पर ये जो फार्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस तर्ज पर दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें एक हो गया बड़ा वाला होगा भाज्य यानी ए, यहाँ ए बड़ी संख्या होगा भाज्य 12576 और बी हो जाएगा भाजक 4552। हमेशा ए और बी दिया रहेगा, क्यू और आर निकालना रहता है। तो ये कैसा संबंध है, तो रफ में देखो ये संबंध है तुमको ए बी क्यू और आर है ना, ये संबंध इसका अर्थ है रफ में तू बी, बी हो गया 4552, ए में भाग दो ये हो गया 12576, कितना से लगेगा 3 से, कितना होगा 0 हो गया 420 आया, ये हो गया तुमको R, ये हो गया Q, ये हो गया A, ये हो गया B। बोलो इसको समझा तू लोग, B भाजक है, A भाज्य, Q भागफल, 3 प्राप्त हुआ, शेष में R प्राप्त हुआ, होगा ऐसा। तो पहला चरण हम लोग जो लिखेंगे, पहला चरण में भाग दिए तो प्राप्त हुआ ए का मान 12576 यानी इस फार्मूला पर लिखेंगे, इस फार्मूला पर ए का मान 12576, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान हो गया बीच वाला 12576, बी का मान हो गया 4552, बी है ना, तो 4552
R का मान हो गया Q, Q का मान हो गया 3। वाह, जैसे बनाते हैं ऐसे ही बनाना है एग्जाम में। R का मान G गुने Q, G गुने Q जो R, R का मान हो गया 420। तो ये हो गया पहला चरण। अब दूसरा चरण देखो, शेष में जब तक शून्य नहीं आएगा तो महत्तम समापवर्तक में हम लोग भाग देते जाते हैं ना, तो पहला चरण ये हुआ। अब द्वितीय चरण, द्वितीय चरण में भी लिखेंगे यही फार्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। द्वितीय चरण में हम लोग देखो निकालते जो है, महत्तम समापवर्तक में कैसे करते हैं, जो शेष बचता है इसको फिर क्या मान लेते हैं, भाजक 4052। ये पहला चरण में शेष 420 बचा, दूसरा चरण में ये भाजक को यहाँ उतारते हैं जी। ऐसी स्थिति में अब ये हो गया B, हो गया ना, ये हो गया A, क्यू निकालना है R निकालना है, तो 420 10 से भागने 9 से भाग लगेगा। सब 72 बचा, दूसरे चरण में हम लोग को ये प्राप्त हुआ, ये हो गया Q, ये हो गया R। दूसरे चरण में लिखेंगे A बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान कितना हो गया 4052, बी का मान 420 गुने क्यू का मान 9 जोर आर का मान 272। दूसरा चरण हुआ, जब तक शेष शून्य नहीं आएंगे आएगा तब तक इस काम को जारी रखना है। शेष में शून्य आएगा तब न भाजक आंसर हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। तो इससे आगे वाला चरण 272 ये बन जाएगा अब भाजक, ये 420 बन जाएगा भाज्य, होगा ना, यानी 420 में 272 से भाग होंगे। तीसरा चरण, तीसरा चरण में फार्मूला होगा A बराबर बी क्यू प्लस आर, A का मान हो गया 4052, बी का मान 420, तो सॉरी तीसरा चरण ये है ना, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए का मान 420, बी का मान 272, क्यू का मान तो भाग दो तो एक आठ या 272 यहाँ पे एक सौ 48, ये हो गया आर, ये हो गया क्यू, ए 420, बी का मान 272, क्यू का मान एक, तो बी गुने क्यू 272 गुने एक जोर आर का मान 148। अब 148 शेष बन जाएगा भाजक, 272 से भाग 272 में भाग देंगे, ये हो गया ए, ये बी, हो जाएगा ना। Thank you.
चौथा चरण एक मान दू बात कर बी का मान एक यू का मान एक आर का मान 124 अभी तक सुनी नहीं आया है अब ये हो गया आर हो जाएगा भाजक 148 ये हो गया ए ये हो गया बी यहाँ होगा क्यू तो चौथा चरण अब पांचवा चरण लिखेंगे ये हो गया बीच वाला 148 बी का मान 124 भाग लगेगा एक से क्यू का मान एक आर का मान 24 पांच चरण हुआ चौबीस ये हो गया 124 ये हो गया ए ये बी पंचे लगे छठा चरण क्या हुआ कुछ नहीं कुछ सातवां चरण कंप्लीट हो गया अब चार में भाग देंगे 24 ये हो गया बी ये हो गया ए चार छक्के 24 से 0 आ जाए तो यह कम रोक दिया जाता है समझा सातवां चरण में ये हो गया 124 बी विचार और क्यू हो गया 6 आर हो गया 0 जब आर का मान 0 आ जाए तो सुनने से तो ये भाजक आंसर होगा समझे आंसर बी बराबर 4 कैसे कैसे निकलेगा समझा इसको आर का मान शून्य हो जाए तो भाजक आंसर होता है दो पैसा आपको लोग उतारो इसी में समझ जाओगे इजी है इसको उतारो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालना हो उसमें कई चरण होंगे जब तक शून्य नहीं आ जाए शेष तब तक हम लोग प्रत्येक चरण को आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे और शेष का मान शून्य आएगा तो जिस फेज में जिस चरण में शेष का मान शून्य होगा उस चरण का भाजक दिए गए संख्याओं का HCF होगा दूसरा उदाहरण देखो 52 और 576 का HCF निकालना है तो इसको हम लोग यहाँ पर बड़ी संख्या को हमेशा ए मानेंगे लिखेंगे
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से न होता है ये सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इतना ही नहीं जहाँ पूरी बात लिखना है शून्य से बड़ा होगा आर या शून्य के बराबर आर से बड़ा बी, इतनी बात को लिखेंगे तब इसमें ए और बी कौन है तो बड़ी संख्या हमेशा भाज्य होगा ए, तो लिखेंगे यहाँ ए बराबर कितना, दोनों में बड़ा कौन है पाँच सौ छिहत्तर तथा बी बराबर बावन, समझा। तब लिखेंगे पहला चरण, पहला चरण ए बराबर बी क्यू प्लस आर, एक का मान हो गया पाँच सौ छिहत्तर, बी का मान हो गया बावन, क्यू और आर का मान कैसे निकालेंगे तो रफ में भागा देना, पाँच सौ छिहत्तर में बावन से भागा देंगे कितना होगा बावन पाँच छप्पन बावन चार, ये हो गया ए, ये बी क्यू, ये हो गया आर, इसमें मान भरो, ए का मान पाँच सौ छिहत्तर, बी का हो गया बावन बावन क्यू हो गया ग्यारह, तो गुने ग्यारह शेष हो गया चार, तो शेष में शून्य नहीं होगा आया है, तो अगला चरण लेंगे दूसरा चरण, दूसरा चरण में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बन जा, ये चार है ना, तो हम लोग बावन से भाग देंगे चार कान चार, तेरह सौ का बावन है ना, शून्य आ गया आर बराबर जी, ये हो गया यू, ये हो गया ए, ये हो गया बी, मान भरो ए बावन, बी का मान चार, क्यू का मान तेरह, शेष का मान जीरो, जब शेष जीरो आ जाए तो दिया गया भाजक आंसर होता है, याद लिखेंगे यहाँ बी, बी बराबर चार है, चार है इसलिए किस संख्या का बावन और पाँच सौ छिहत्तर का, इसलिए बावन और पाँच सौ छिहत्तर का एचसीएफ बराबर चार, कैसे बनेंगे चरणबद्ध इसको समझ गया ना, टॉपिक छोटा है तो अगले क्लास में हम शुरू करेंगे साबित करें कि सम संख्या 2q के रूप में होता है या 2x के रूप में होता है, जहां x एक धनात्मक पूर्णांक है इस टाइप का, और ये पूछता ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ठीक।